आज हमारे मध्य में ए.टी. रामा स्वामी जी, जिनका बहुत ही बड़ा राजनीतिक अनुभव कर्नाटक के अंदर रहा है, वह अरकालगुड विधानसभा हसन में उनका क्षेत्र रहा है और लगातार चार बार विधायक रहे हैं। दो बार आप 1989 में कांग्रेस से एमएलए रहे, 1994 में फिर कांग्रेस से एमएलए रहे और 2004 और 2018 में जेडीएस से आप विधायक रहे हैं। वर्तमान में भी आप विधायक हैं। आप एक यशस्वी कृषक हैं, किसान परिवार से संबंधित हैं और किसानों के लिए, उनके संघर्ष के लिए अनेकों अनेक कार्य आप कर चुके हैं। आज कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा किए हुए कामों और वहाँ पर जनता का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है और साथ साथ केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर खासकर कर्नाटक को जो विकास की दिशा दी गई है, उससे प्रेरित होकर आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री रामास्वामी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की रसीद देकर देने की कृपा करें। सो हियर इज द फॉर्मल वेलकम। मैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने का आश्वासन। मित्रों, में माने अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस अवसर पर वो दो शब्द से संबोधित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चार बार के माननीय विधायक श्री ए.टी. रामास्वामी जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। रामास्वामी जी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार सरकार चल रही है, नव भारत के निर्माण में और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हो रहा है। अगर देश में सबसे ज़्यादा FDI की हम बात करें तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में FDI को आकर्षित किया है। कर्नाटक में हमारी सरकार ने शानदार काम किया और विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। पर जहाँ तक मैं ए.टी. रामास्वामी जी की बात करता हूँ, चार बार के विधायक, 1989, 1994, 2004, 2018 और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार पाक छवि के व्यक्ति, ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सदा किसानों के हितों की बात उठाई एंड माफिया के खिलाफ भी वाजे उठाते रहे, सदा ईमानदारी के लिए जाने गए और आज सही मायने में भारतीय जनता पार्टी में आकर कर्नाटक के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वोकालिका समाज से आने वाले ए.टी. रामास्वामी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में बल भी मिलेगा। आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं।